मेरे परम मित्र एवं महाराष्ट्र के विधायक राज पुरोहित जी, श्रीमती अमृता मेघवाल जी, पुराराम चौधरी जी, इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी सम्माननीय भाई बहनों और डेल परिवार तथा मीडिया के सभी भाई बहनों, आज का कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम है। हमेशा हमने देखा है कि लोग मंत्रालय के पास, मंत्री के पास, हमारे सांसदों के पास, हमारे विधायकों के पास हमेशा कुछ मांग लेके जाते हैं। उनकी अपेक्षा रहती है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें कुछ मिलना चाहिए। सही भी है, उनका हक भी है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम दिखाई देता है कि लोग आके कहते हैं कि हम कुछ रेल को देना चाहते हैं, हम कुछ समाज के प्रति हमारा कर्तव्य निभाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सेवा लोगों की करने के लिए रेल के माध्यम से हम कुछ करना चाहते हैं। और ऐसा कहने के लिए जो लोग सामने आए, इन्होंने आज जो इतना बड़ा दान और बड़ी सेवा करने का एक नया दालन उन्होंने खोला है, उसके लिए उसी सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इस तरह के 15 लाख रुपए का एक योगदान किया गया है और संघवी गेवरचंद संकलन जी ने इसके लिए अपना भी योगदान दिया है। मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसीलिए देता हूँ कि राजस्थान के रहने वाले लोग काफ़ी लंबे समय से देश के अलग अलग जगह पर कारोबार करने के लिए अन्य कारणों से बिखर के रहते हैं, लेकिन ये लोगों की खासियत ये रही है कि अपने मुल्क को कभी भूले नहीं, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए कहीं भी रहने के बावजूद भी हमेशा कोशिश करते आए कि हमारी तो तरक्की हो गई, लेकिन जो लोग अभी भी राजस्थान में हैं उनके लिए हमने कुछ करना चाहिए। और यही सोचकर राजस्थान के लोगों ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया, योगदान किया, उसके लिए हम उनके लिए तो बहुत ही आभारी भी है, उनका हमें बहुत गर्व भी है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो राजस्थान को नहीं भूले, ऐसे लोगों के लिए भी हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं। और मैं समझता हूँ, जैसे कि देखिए मिसाल के तौर पर राज पुरोहित जी, वो रहते हैं मुंबई में, चुन के आए मुंबई से, मुंबई तो बहुत काम करते हैं, मुंबई में सेवा भी बहुत करते हैं और इसके लिए बार बार चुन के भी आते हैं। मुंबई के भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन राजस्थान के प्रति उनकी जो आत्मीयता है, प्यार है, उसके लिए मैं उनको सही माने में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप समझ लीजिए कि हम कहते हैं कि नॉन रेसिडेंट इंडियन विदेश में रहते, देश के बारे में सोचते, वो तो सोचना ही चाहिए, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट राजस्थानी है, जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनका जो योगदान है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए मैं राज पुरोहित जी और सभी सहयोगों को धन्यवाद देता हूँ। कुछ 4 दिन पहले ये सब लोग मुझे मुंबई में मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये कार्यक्रम करना चाह रहे। मैंने कहा वैसे तो जोधपुर में आने के लिए मैं तो बहुत ही खुश बनता हूँ, क्योंकि जोधपुर में आने के बाद, राजस्थान में आने के बाद एक नया प्रोत्साहन भी मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज राजस्थान में आने का मौका तो नहीं मिला जलोर में, लेकिन मैं आ रहा हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम राजस्थान में न आने से लिए जो मेरा नुकसान हो रहा है उस उसकी थोड़ी सी भरपाई हो जाएगी आपसे यहाँ से बात करते हुए। आप सबको सुन के खुशी होगी कि मैंने जैसे कहा कि राजस्थान में क्या क्या काम लोग कर रहे हैं, इसके लिए हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। 2004 से जब UPA की सरकार थी, उस समय रेल में 2009 से 2014 तक राजस्थान को सालाना रेल की तरफ से 682 करोड़ रुपया मिलता था। 2014-15, 15-16, 16-17 की जो बजट हमने प्रेजेंट किए उसमें उसको बढ़ाकर सालाना करीबन 2000 करोड़ तक हमने ला के रखा, 2000 करोड़, 682 करोड़ को लेकर 2000 करोड़ तक।
लेकिन आज आपको खुशी होगी कि उससे भी बढ़कर हम 17-18 में हमने उसको जो बढ़ोतरी किया 412% बढ़ोतरी, राजस्थान के जो पहले उनको मिलता था इसमें हम लोगों ने बढ़ोतरी किया। अभी ये तो 3500 करोड़ रुपया राजस्थान को 2017-18 मिला। मैं वापस बताता हूँ, 2009 से 2014 पाँच साल में सालाना 682 करोड़ मिलता था, 2014-15-16-17 तक हमने उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ 1951 करोड़ करीबन 2000 करोड़, 186% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन हमने कहा ये भी पर्याप्त नहीं कि राजस्थान में बहुत बड़ी मांग थी लोगों की, बड़े राजस्थान तो सबसे बड़ा राज्य भी है, इसके लिए हमने उसको बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपया 17-18 के बजट में किया, वो तो 412% ज़्यादा है। ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान ऐसा एक बहुत बड़ा राज्य है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और उसका नाम लेके राजपुरोहित जी विराज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत भी होती है। इसके लिए सीकर लोहारू उसका काम 122 किलोमीटर का हम लोगों ने एक साल में कंप्लीट किया, मकराना पर्वतसार का काम हमने कंप्लीट किया, हनुमानगढ़ सेडुलपुर उसका भी काम हम लोगों ने कंप्लीट किया, आज मालवी जंक्शन के बारी सदरी का काम चल रहा है, जयपुर रिंगस चुरू सीकर लोहारू का काम चल रहा है, अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर करीबन 300 किलोमीटर का गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है और हम इसको जल्द करने की कोशिश करेंगे, रतनगढ़ सरदेश शहर उसका भी काम चल रहा है, डबलिंग के लिए केशवगंज स्वरूपगंज मोरीबेरा केशवगंज लुनी भगत की कोठी इसका भी काम हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आने वाले दिनों में भी अजमेर बंगलपुरम गुरिया मारवाड़ इसका भी काम चल रहा है और उसी तरह से बंगरपुर गुरिया पैच डबलिंग का काम चल रहा है, टेंडर अंडर फाइनलाइजेशन है, रानी मारवाड़ पैच डबलिंग का काम चल रहा है, अलवर बंदूकुड़ी का काम हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वर्क शुरू होगा, फुलेरा दगेना का काम आज ईपीसी के मोड़ के ऊपर हम कर रहे हैं, उसी तरह से ऑनगोइंग वर्क दौसा गंगरपुर सिटी रतलाम डूंगरपुर वाया बनसवाड़ा चियत हमीरा सानू अजमेर कोटा पुष्कर मेटा अजमेर नसीराबाद सवाई माधवपुर वाया टोंग जैसलमेर भब्बर ये जॉइंट वेंचर से चल रहा है, पर्वतसार किशनगढ़ जॉइंट वेंचर से चल रहा है, उसी तरह से विद्युतीकरण के लिए अलवर रेवाड़ी और पालनपुर अजमेर रिंगस रेवाड़ी अजमेर भरूच मलवणी जम तो उदयपुर और हमने पिंक बुक में 16-17 में रिंगस जयपुर सवाई माधोपुर का काम भी इंक्लूड किया। इसी तरह से मैं सब आपको नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको मैं बताते जाऊँगा तो शायद राजपुरे जी को मुंबई जाने का वापस मौका नहीं मिलेगा, उधर ही रह के सुनना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको सब बात नहीं बताता हूँ। लेकिन हमारे जो यहाँ पर विधायक जी हैं अमृता मेघवाल जी, हमारे पुरराम चौधरी जी, ये सबको मैं आश्वासित करना चाहता हूँ कि आपके प्रति हमारी जो श्रद्धा है प्यार है अच्छी भावना है उसका ये द्योतक है कि हमने इतनी तरह से काम करने की शुरुआत की है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में पिछले करीबों सालों से सदियों से दशकों से जो काम नहीं हुआ था वो करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विकास की प्रक्रिया में हमने जो एक बहुत बड़े मात्रा में प्रायोरिटी लाई है उसी तौर पे हमारे वसुंधरा राजे जी जो जयपुर में बैठकर पूरे राजस्थान का कारोबार संभालने के लिए जिस तरह से काम करिए उनको बल देने उनके साथ साथ उनके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी हमारी वसुंधरा राजे जी उनके सहायता से हम लोग पूरी मात्रा में देश की जनता की अपेक्षाएँ पूरे करने के लिए काम में जुटे रहेंगे। राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि वो पूरी देश को संभाल सकता है, इतनी क्षमता उसमें है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जिम्मेदारी हमारी है, हम ये पूरी तरह से निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने ये अच्छा काम किया, ये अच्छी तरह से ये जो टॉयलेट और ये पूरा हॉल बनाया है फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर का काम किया है उन सबको धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इस तरह का काम उनको करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय रेल मंत्री श्री